रात को 12 बजे लगभग जो है पुलिस सिविल वर्दी में आती है और 21-22 लोग हम लोग होटल में ठहरे हुए थे, हमें अरेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ विधायकपुरी हम लोग को रखा जाता है, रात में 3 बजे यहाँ से अलग अलग थाना ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट डे को जब हम लोग सदर थाने में इकट्ठा हमें किया गया तो हमें बताया गया कि अब कोर्ट आप जाएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, लेकिन वहीं से कोई व्यक्ति जो है वो कहते हैं मजिस्ट्रेट हूँ और वो इसलिए उनकी कोई जानकारी हमें नहीं थी, वो सिविल उसमें थे और मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई आपको 2 दिन की जैसे भेजा जा रहा है। आज हम लोग वहाँ से रिहा हुआ है, मैं अपने मोबाइल फोन और अपने साथियों का सामान कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ ये जानकर सारे फोन ऑन है डाटा उड़ाया है बंद करके दिए थे कंप्यूटर पर मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी और मैं अपनी पार्टी से भी मेरा बहुत सारा डाटा इसमें है मेरे मुकदमे रिलेटेड। मुझे ये उम्मीद राजस्थान सरकार से नहीं थी कि वो उनकी पुलिस और वो इस तरह का जो घटिया रवैया करेंगे। सारे फोनों के साथ उनका सॉफ्टवेयर जो है उनमें छेड़छाड़ हुई थी, उनका पर्सनल डाटा जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिसके लिए वो करता है कि नेता का अधिकार है, वो डाटा को वो नहीं चोरी कर सकते, वो डाटा चोरी हुआ है। उसके बावजूद जो है घर में किसी को जैसे रूल्स हैं कि पुलिस को जो है परिवार को इन्फॉर्म करे, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया है। खूब जो है पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो है तमाम तरह की अव्यवहारिक चीजें की गई है। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं या पुलिस का यही व्यवहार होगा राजस्थान का, तो ठीक है। लेकिन हमारी गाड़ियां जो है वो कभी खबर आ रही है कि कहीं टोल उनके कट रहे हैं, मतलब हमारी पर्सनल गाड़ियां पुलिस यूज कर रही है, अगर उनके उनसे कोई दुर्घटना हो जाएगी या पुलिस कुछ और वो कर देगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमारे मोबाइल फोन में इस तरह छेड़खानी हुई है, इसमें कोई कुछ अपडेट कर देगी या कोई सॉफ्टवेयर डाल देगी या कोई मैसेज कर देगी, ऐसा पहले भी हो चुका सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो अशोक गहलोत इतना नीचे गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। कांग्रेस के लोग वहां दिल्ली में जाकर रोते रहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी जो है नहीं है, कानून का राज खत्म हो गया है अपने नेता के लिए, और यहाँ कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं। सरकार तो पता लगता है कि सरकार का चीज जैसा होता है। मैं समझता हूँ गहलोत साहब अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि सीएचओ की मांग पूरी हो या कोई आंदोलन यहाँ हो। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जब 2 तारीख को हमें आंदोलन की परमिशन नहीं, तो 3 तारीख को एक और आंदोलन यहाँ कैसे हो जाता है? इतने बड़े स्तर पर उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? क्या एक ही प्रदेश में और एक ही जिले में राजधानी में अलग अलग लोग के अलग कानून है? तो ये जो मिली भगत है आपसी एजेंटगिरी, ये इसका खिलाफ हम लोग, और अभी तो हम लोग FIR हमने दी है कि भाई हमारी FIR दर्ज की जाए। हमारे मोबाइल का डाटा जो है जो इस तरह से ऑन किए गए, इनको पर्सनल फोन हमारे सुने गए होंगे, क्या डाटा चोरी गया अभी देखना पड़ेगा, लेकिन डाटा चोरी हो क्योंकि फोन ऑन है। दूसरा जो है जिस तरह से गाड़ियों का यूज किया गया, अगर कोई दुर्घटना कल कोई इस तरह की बड़ी घटना सामने आती तो आरोप से हम पे आएगा, लेकिन वो पुलिस ने किए। तो राजस्थान सरकार के सारे पे पुलिस ने जो किया है वो मैं समझता हूँ कि वो गैर जिम्मेदारी है और एक षड्यंत्र है। मैं इसके खिलाफ जो है कोर्ट जाऊंगा और इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।